श्री गणेश को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि श्री गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। जी हाँ, वाई इज तुलसी नॉट ऑफर टू गणेश जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए मिलकर जानते हैं। जबकि तुलसी में अनेकों औषधीय गुण होते हैं, एक तुलसी का पत्ता प्रतिदिन खाने से शरीर के अनेकों रोग नष्ट हो जाते हैं, परंतु जब गणेश जी की पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं बल्कि दूध अर्पित की जाती है, यहाँ तक कि श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी अर्पित करना वर्जित है, तो इतनी लाभकारी और पवित्र तुलसी गणेश जी को आखिर क्यों नहीं चढ़ाई जाती, क्यों अर्पित नहीं की जाती, चलिए जानते हैं। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार गणेश जी गंगा के तट पर तपस्या कर रहे थे, दूसरी ओर तुलसी अपने विवाह की इच्छा लिए तीर्थ यात्रा पर निकली। तब रास्ते में उन्होंने तपस्या में लीन गणेश जी को देखा। गणेश जी पूरे शरीर पर चंदन का लेप लगाए रत्नों के हार धारण किए सिंहासन पर विराजमान थे। गणेश जी को देख तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिससे गणेश जी का ध्यान भंग हो गया। गणेश जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। तुलसी द्वारा किए गए इस कृत्य को वह अशुभ मानने लगे और उसको अशुभ बताया। साथ ही उन्होंने स्वयं को एक ब्रह्मचारी बताकर विवाह के प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर दिया। तुलसी को बहुत दुख हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। तुलसी ने कहा कि उनका विवाह उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होगा। चूंकि गणेश जी ने स्वयं को एक ब्रह्मचारी बताया था, इसलिए तुलसी ने यह भी श्राप दे दिया कि उनके दो विवाह होंगे। इस कारण और इस पर गणेश जी ने भी क्रोध में आकर तुलसी को श्राप दे दिया कि तुलसी का विवाह असुर से होगा। एव दैत्य से विवाह की बात सुनकर तुलसी सहन नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। क्रोध थोड़ा शांत हुआ और शांत होने पर गणेश जी ने कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा। श्राप पूर्ण होने के पश्चात तुम भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय मानी जाओगी। कलयुग में तुम्हारा महत्व इतना अधिक होगा कि तुम मोक्ष का पथ दिखला पाओगी, परंतु मेरी पूजा में तुम्हें अर्पित करना शुभ नहीं माना जाएगा। और इस प्रकार श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना जाता है, इसलिए ही श्री गणेश को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी और जानकारी कि श्री गणेश जी को आखिर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएँ सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।